हेलो एवरीवन। किसी भी कपड़ा को फोड़ने के पास ऐसे उठा कैसे डाल दे रही कि एटलीस्ट लाइक 15 केजी के अंदर, अदरवाइज बहुत ज्यादा इशू होने वाला। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सीनू पल्लवी एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। अगर नए हैं तो प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब एंड आल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन। अगर ऑलरेडी किया हो तो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग देयर विद मी। और फाइनली वो दिन आ गया, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। एक सेकेंड, आज अभी अब मैं मेरा पैकिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। मैंने वो कार्टून इसलिए मंगवाया क्योंकि मुझे मेरा बहुत सारा कपड़ा कुरियर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आने के टाइम में ही लाइक मेरा जो ओवरऑल लगेज था वो ओवरवेट था एंड मैंने यहाँ पे और भी बहुत सारा शॉपिंग कर लिया। सो आई नो कि मैं उतना सारा सामान अपने दोनों ट्रॉली में भर के नहीं लेके जा सकती। सो या सबसे पहले मैं उसमें अपना सारा भारी भरकम और इधर उधर का कपड़ा रख दूंगी एंड देन आई स्टार्ट पैकिंग माय ट्रॉली। और मुझे मेरा आज ही सारा काम ख़त्म करना है क्योंकि मुझे कल एक्चुअली ऑफिस का बहुत सारा काम है, तो आई डोंट वांट दैट टू बी डिलेड। तो मैं कल सुबह सुबह ऑफिस भी जाने वाली हूँ। सो लेट्स जस्ट पैक दिस क्विकली। सो दिस इज़ द अपडेट। बाय द वे कितना बज रहा है? 11 के आसपास बज रहा है। मुझे जल्दी सोना भी है क्योंकि मुझे कल सुबह बिल्कुल जल्दी जल्दी उठ के ऑफिस जाना है। एंड यू कैन सी द मेस अराउंड मी। अभी भी बाय द वे और भी बहुत सारा कुछ रखा हुआ है अंदर रखने के लिए। और हाँ, मैंने रिंग लाइट भी अंदर रख दिया, तो अब आप लोगों को रिंग लाइट नहीं दिखने वाला। और अब मैं रिंग लाइट निकालने वाली भी नहीं, तो आप लोगों को अगर क्वालिटी ख़राब लग रही होगी या फिर लाइटिंग ख़राब लग रहा होगा, सॉरी। ये कार्टून तो मैं लेते आई थी, बट अब आई डोंट नो वाई मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर इफ यू गाइस कैन सी लाइक मेरा सारा सामान तो चला गया है, बट देर इज स्टिल अ लॉट ऑफ स्पेस लेफ्ट। तो मैं क्या सोच रही हूँ ना, इसे ऐसे साइड से कट करके इसे थोड़ा पतला बना दूँगी एंड देर इज एवरीथिंग। मैंने ये वाला नया टॉप लिया था जूडियो से, तो कल मैं यही पहन के जा रही हूँ ऑफिस। सारा पैकिंग हो गया, इसे ये छोड़ के जाना है। इसके ऊपर अभी बस नंबर लिखना है, वो दोनों ट्रॉली वो मुझे मेरी फ्रेंड के यहाँ छोड़ना है एंड मेरा बैग। अब बस फाइनली सारा कुछ चेक वगैरह करना है। ओके, सो अब बस फाइनली मुझे सारा कुछ एक बार चेक कर लेना अच्छे से। भगवान जी को अभी तक नहीं लिया है मैंने, तो भगवान जी को भी ले लूँगी। और यार इस बार इतना गंदा से मैंने पैकिंग किया, लाइक जब मैं आई थी उससे बहुत ज़्यादा सामान पता नहीं कैसे मेरे ट्रॉली में अट ही नहीं रहा यार। इस बार मैंने बहुत गंदा से पैकिंग किया, लाइक मैंने कोई भी कपड़ा को फोल्ड नहीं किया। इसमें डालते टाइम तो मैंने जेन्युइनली किसी भी कपड़ा को फोल्डने के पास ऐसे उठा कैसे डाल दे रही थी, क्योंकि डिब्बा भरा था तो मुझे लग रहा था ठीक है फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, इतना गंदा से पैकिंग किया है कि अब मुझे लग रहा है मुझे दोबारा अपना एटलीस्ट दोनों ट्रॉली वापस से संभालना होगा। बट हाँ, देखते हैं वो जब करना होगा तब करेंगे। बट एनी वेज माई कम्प्लीट पैकिंग इज डन। ओके, सो अब मैं नीचे जा रही हूँ यहाँ का सारा फॉर्मेलिटीज खत्म करने, उसके बाद वापस से ऊपर जाऊंगी अपना सारा सामान नीचे लेके आऊंगी एंड या देन आई लीव। फाइनली एवरीथिंग इज डन एंड नाउ वी आर लीविंग। मैंने बेडशीट वगैरह सारा कुछ निकाल लिया, ट्रॉली भी, और जो मेरा एक और पैकेज था वो नीचे ले जाके मैं रख दी हूँ। तो लाइक एड्रेस वगैरह सब कुछ लिख दिया है, अब बाकी अब कल आएगा वो लोग लेने के लिए, तब ये लोग मुझे हैंडल कर देंगे। तो अब मैं अपने दोस्त के घर से निकल रही हूँ एयरपोर्ट के लिए एंड कितना बज रहा है, इट्स अराउंड 2:29, लाइक 2:30 हो गए हैं। और अब हाँ, और बाय द वे मेरे पास ना यहाँ पे वो भी नहीं था, वेइंग मशीन भी नहीं था, तो मैंने चेक नहीं किया बिल्कुल भी कि मेरा दोनों ट्रॉली कितना वे कर रहा है। सो आई डोंट नो एयरपोर्ट जाके आई रियली होप कि एटलीस्ट लाइक 15 kg के अंदर, अदरवाइज बहुत ज़्यादा इशू होने वाला। और मेरी फ्लाइट है 5:05, तो अब मैं जल्दी से निकलती हूँ क्योंकि मैंने जो ऊबर बुक किया है वो ऑलरेडी नीचे आ गया। Just look at terminal 2. पता है इसमें कैप्चर नहीं हो पा रहा, लेकिन बहुत खूबसूरत दिख रहा है। सो अब मैं सिक्योरिटी चेक इन के लिए जा रही हूँ। लाइक जो मेरा बैगेज था वो, लाइक जो ट्रॉली था वो थैंकफुली बस 13 kg का था। Look at the washroom. बिल्कुल शानदार, कितना खूबसूरत है।
बाय द वे आपको पता है ये एयरपोर्ट ना इतना 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 सुंदर है, लाइक लग रहा है हर एक चीज़ रिकॉर्ड कर लूँ। बट हाँ, अब मैं एक्चुअली अराउंड मेरे पास अभी 20-30 मिनट है, मुझे वॉशरूम जाना था तो मैं यहाँ आ गई हूँ। हाय एवरीवन, बैक टू माय बैकग्राउंड। अब मैं लाइक मैं नाची पहुंच गई ना, मैं तो सुबह पहुंच के इतना ज़ोर से नींद आ रहा था कि सो गई थी। अब हम जा रहे हैं यहाँ पास में जो पूजा पंडाल है वहाँ पे पुष्पांजलि लेने के लिए। बाय द वे ये मैंने एक न्यू क्यूट सा ग्रीन कलर का सूट पहना है। प्लान ये था कि मैं इसे बर्थडे में पहनूंगी, बट क्योंकि मैं यहाँ नहीं थी और सूट यहाँ था तो इसलिए मैं इसे आज पहन रही हूँ। ओके, तो हमारा खाना पीना सारा कुछ हो गया और अब हम निकल रहे हैं मेन रोड। कुछ कुछ शॉपिंग करना है एंड कुछ कुछ शॉपिंग ऑलरेडी किया हुआ है, वो सामान पिकअप करना है। शिट, हम लोग मेरा कोट नहीं लिए, अभी अब उसको धूप में छोड़ देंगे, अब कुछ दिन के बाद ही दे आएंगे। मुझे मेरा कोट देना था जो कि मैं वहाँ पे एक दिन पहनी थी और फिर बारिश में पूरा भीग गई थी और मुझे डर है कि वो ख़राब हो जाएगा, बट मैंने उसे एक दिन धूप में छोड़ दिया था तो आई होप वो ठीक ही रहे। अब बस मैं ये सारा चीज़ लगाती हूँ, अंदर निकलती हूँ जल्दी से। ये लो जल्दी लो, इसको रखो, लेते हैं घर से, इसको झोला में डालो, हम तब तक अपना फेस कवर कर डालो ना। अच्छा लो, यहाँ पे हम आ गए हैं मेरा कपड़ा ऑल्टरेशन देने के लिए। पता है अभी हम लोग जो शॉप गए थे ना जहाँ पे मुझे ऑल्टरेशन के लिए देना था, वहाँ पर से ना हमें एक गिफ्ट मिला है और ना हमें वहीं पे बहुत ज़्यादा मन कर रहा था निकाल के देखने का, बट वहाँ पे तो हम लोगों ने नहीं देखा बट हम अभी देखने जा रहे हैं। निधि ने फ़ोन पकड़ने से मना कर दिया। क्या है खाने आने वाला है? बे हमको लगा कुछ और होगा। पता है हमको जेन्युइनली लग रहा था कि वो होगा, लाइक सॉक्स वॉक्स या कुछ भी हैंग की कुछ भी काम का चीज होगा। यार ये लोग तो सोन बाबरी देखे एकदम दिवाली वाला मिठाई चिपका दिए। हमारे यहाँ का सारा काम हो गया, हमने कुछ भी नहीं लिया, बस एक जो पापा जी का सामान लेना था वो ले लिया और अब हम यहाँ पर से निकल रहे हैं। कहाँ जाएंगे? घर। ओके, तो हम लोग यहाँ पर से डायरेक्ट घर जाएंगे। एक तो हमारा स्कूटी ख़राब है, हम लोग को ऐसे बैठ के सेल्फ स्टार्ट नहीं होता, किक मारना होता है। अबे हुआ। ओके, सो मैंने लाइक सेवन्थ और एट्थ और नाइन्थ बहुत ज़्यादा ब्लॉग नहीं किया क्योंकि निधि ऑलरेडी करी थी और आज अभी हम जा रहे हैं पंडाल हॉपिंग के लिए, तो मैं आप लोग भी चलिए मेरे साथ। लिफ्ट तक पहुंचा दीजिए ना। ओके, सो फाइनली मेरा डिलीवरी भी आ गया। हेलो एवरीवन, सो फाइनली मैं रांची आ गई हूँ, मैं भी आ गई हूँ, मेरा सारा सामान भी आ गया है। एंड या अभी तो फिलहाल रांची में, बाय द वे ओ माय गॉड ठंडा आ गया है, काफी ठंडी आ चुकी है। हाँ, ठंडी हम लोग बालकनी में बैठ के बस अपना सुखा रहे हैं, बाल भी सुखा रहे एग्जैक्टली और अपना बहुत सारा काम भी कर रहे हैं। और हाँ, मुझे बस आप लोगों से ये बोलना था कि रियली सॉरी कि बर्थडे व्लॉग आने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया। आई नो लेट हो गया, बट वो मेरा गलती नहीं था यार, क्योंकि नहीं, इसका बर्थडे 14th होता, मोस्ट प्रोबेबली अगर लेट भी होता तो 18 तक जाता। ये आज पता है लगभग
10 दिन के बाद मैंने बर्थडे व्लॉग डाला बट थैंक यू सो मच उसे इतना प्यार देने के लिए। आई रियली होप कि आप लोगों को वो वीडियो अच्छी लगी हो। बट हाँ, द पॉइंट वॉज कि वीडियो रेंडर नहीं हो पा रहा था अच्छे से। मैंने उसे 2-3 बार रेंडर किया और लास्ट में मुझे उसे फ़ोन से रेंडर करना पड़ा, वो भी क्लिप्स ऐड कर करके। सो जैसा चाहती थी वैसा नहीं हो पाया, बट हाँ एटलीस्ट मैंने वो वीडियो तो डाल दिया यार। एनीवेज थैंक यू सो मच। अब मेरा 900 समथिंग हो गया, अब मेरा 1000 होने वाला है एंड आई एम सो मच हैप्पी एंड सो मच ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू गाइज। और हाँ, आप लोगों को लग रहा होगा कि अब बस अब बैंगलोर वाला व्लॉग खत्म नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। मेरे पास अभी भी बहुत सारा बैंगलोर का व्लॉग्स रखा हुआ है, पेंडिंग है। मैं वो सारा वीडियोस एडिट कर करके अब धीरे धीरे डालने लगूंगी। और हाँ, मैंने बैंगलोर में बहुत सारा शॉपिंग किया, स्टूडियो से भी शॉपिंग किया था। एंड मैं एक शॉप गई थी, आप लोगों ने मेरे एक ब्लॉग में देखा होगा, वेंकटेश्वर गारमेंट्स करके, वहाँ पर से मैंने ढेर सारा सस्ता कपड़ा खरीदा। तो मेरे पास सारा रिसीट्स वगैरह रखा हुआ है, सारे कपड़े रखे हुए हैं। तो मैं वो सारे कपड़े के ऊपर भी आप लोगों को वीडियो बना के लाइक बताऊँगी कि यू नो कितने में क्या था एंड ऑल ऑफ दोज हॉल काइंड ऑफ वीडियो। और हाँ, दिवाली के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट आने वाला है, सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।